गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग यार ब्लॉग यार ब्लॉग निकल जाता है मुझसे यार, रोजी का काम है यार। अच्छा तो आज मैं आपको बॉलिंग टिप्स सिखाऊंगा और बैटिंग टिप्स सिखाऊंगा। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, कहीं जाना नहीं है। इश्तिहार आ जाए तो फिर भी जुड़े रहना है, कहीं नहीं जाना। और अगर कैमरे में थोड़ी सी ऐसे अजीब अजीब से आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि कैमरे में थोड़ा क्रैक आ गया। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक आप मेरी स्पिनर बॉल दे दूँ या फास्ट बॉल दूँ? मैं आपको पहले फास्ट बॉल की टिप दिखाता हूँ। ओके, जब बॉल का ये सेंटर वाला पार्ट होगा ना, ये बिल्कुल सेंटर, आपने जो बॉल को यूँ पकड़ना है ऐसे, ये, और बिल्कुल गैप ऐसे देना है। जिस जगह पे आपने डाली है तो उस जगह की तरफ थोड़ा सा टिंट कर दें, और बैट्समैन की तरफ अगर डाली है तो बैट्समैन की तरफ थोड़ा टिंट कर दें। ऐसे क्या होगा कि आपको बैट्समैन की तरफ थोड़ा स्विंग होगा और एयर स्विंग होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि एयर स्विंग कैसे होता है, बस आपने देखना है, जुड़े रहना मेरे साथ। ये देखें, बस दो मिनट में मैं आता हूँ, एयर स्विंग दिखाता हूँ। सो गाइस अभी मैं एयर स्विंग कराने वाला हूँ, आपने देखना है, जुड़े रहना मेरे साथ, कहीं नहीं जाना, ठीक है? मैं अभी कराता हूँ। ग्रिप वैसी रखनी है जैसे मैंने कहा था। ये बॉल है ना, जो बॉल है वो अपनी एयर से स्विंग हुई है। तो ऐसे कोई आपको यूं करके ग्रिप पकड़नी है और यूं करके यूं डालनी है, ऐसे नहीं वट्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं करना भाई। तो आपको पकड़ के, मैं मोबाइल के साथ पकड़ नहीं सकता, एक दफ़ा मोबाइल के साथ पकड़ के डालता हूँ ऐसे ही के, ये वट्टा चली गई मोबाइल के साथ। पर क्या कहें, आप लोगों को कहा था तो करना पड़ेगा। तो ये मेरी पहली एयर स्विंग बॉल थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा फास्ट बॉल। फास्ट बॉल, तो फास्ट बॉल के लिए आपको जो है अपनी जो ग्रिप है वो भी कुछ ऐसी पकड़नी है, पर वो अगर ऐसे टेंड करके नहीं पकड़नी बैट्समैन की तरफ, आपको सीधा यूं करके बिल्कुल गेर ऐसे हल्का सा गैप देना है यूं, और यूं करके ऐसे शाइन शाफरी जैसे डालते हैं ना, वैसे डाल देना। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, तो आपने वो करना है, ठीक है? तो सो गाइस अभी मैं फास्ट बॉल डालने वाला हूँ, आपने कोई जगह नहीं ली, ये आ रही है। फास्ट बॉल से ज़्यादा तो ये बाउंसर हो गया है, मैंने बाउंसर की भी टिप सिखा दी। गला थोड़ा ख़राब है, और अभी मैं आपको स्पिनर की टिप सिखाऊंगा। स्पिनर में ग्रिप ऐसे नहीं करनी है आपने फास्ट बॉल की, थी स्पिनर में जो आपको अपनी ग्रिप पकड़नी है, स्पिनर में ग्रिप यूं यूं, ये ग्रिप होगी, ये दो उंगलियाँ होंगी, ये बॉल के ऐसे ये वाले पार्ट पे बॉल जो है वो अटकी है, और इन ये वाले पार्ट पे इसको इस तरह से इस वाले पार्ट पे भी अटकाना है। जैसे आप बॉल को रिलीज करोगे ऐसे करके यूं करके यूं, तो बॉल जो है स्पिन होगी। हाँ, तो बॉल जब स्पिन होगी तो बहुत सारे कैचेस के चांसेस होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्पिन कैसे होता है। तो बस देखते रहना, जुड़े रहना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है। कल मैं बिहारी से गया था तो उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ मैं, मज़ेदार होती हैं और बहुत अच्छी होती है। तो अभी जल्दी से ना मैं आपको क्या कहते हैं स्पिन दिखाता हूँ। सो गाइस अभी मैं स्पिन दिखाऊंगा। ग्रिप जैसी पकड़नी है वैसी सिखाई थी, वैसी ग्रिप पकड़नी है। बॉल बिल्कुल ऐसे करके स्विंग हुई है। मैं एक दफा दोबारा करके दिखा देता हूँ आपके, ताकि आप श्योर हो जाए, क्योंकि ये बॉल जो स्विंग नहीं हुई थी, मैं स्विंग कराता हूँ। सॉरी मैं इतनी देर से स्पिन बॉल जा रहा था, मैं स्विंग बॉल जा रहा।
ज्यादा स्विंग हो गई कि इधर टप्पा खा के इधर लग गई। अगर आपको देखना है तो पीछे करके रिपीट करके देख ले। तो अभी मैं आपको गूगली सिखाऊंगा, ऐसे आप समझ ही रहे होंगे गूगली कैसे डालते हैं। तो गूगली का फंडा कुछ बहुत सिंपल ही है। आपने क्या करना क्या है, गूगली में आपने बॉल पकड़नी है और बॉल की जो ग्रिप है ना वो यूं ये आप देख रहे हैं, ये होनी चाहिए। और आपको जो थम है वो हिलना चाहिए, जब आप रिलीज करेंगे ना तब आपका थम रिलीज होना चाहिए। अब हम सारी बॉल के नाम गलत कह रहे हैं, गूगली नहीं है ये नकल बॉल है। तो आप ऐसे करके पकड़ेंगे ना तो जैसे ही आपका यूं करके छोड़ेंगे ना थम बिल्कुल जगह से नहीं हिलना चाहिए। जैसे ही थम आप हिला देंगे तो मतलब गूगली बॉल वो बॉल नहीं रही। हाँ, तो आप यूं करके यूं छोड़ें और बॉल जो है वो ऐसे घूमेगी, यू को यूं बॉल खुलेगी ऐसे देखें। तो ऐसे करके जब बॉल ऐसे करके यूं टप्पा खाती है तो इसका मतलब यूं करके कर रहा है तो उसका मतलब गूगली बॉल जा रही है। अक्सर मैचेस में ये बॉल बहुत कम होती है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको बैटिंग बॉलिंग करनी है तो आप ये कर सकते हैं। गूगली बॉल बहुत आसान है फास्ट बॉलिंग से और स्पिन बॉलिंग से और ये स्विंग बॉलिंग से सबसे आसान बॉल है यही है। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको करा के दिखाता हूँ। बस अल्लाह करे गूगली हो जाए क्योंकि मुझे इतनी खास आती नहीं है गूगली। तो बस आप देखें, कराता हूँ मैं और ऐसी ऐसी टिप मैं आगे लाते जाऊँगा। तो आपने देखना है और लाइक करना, सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो मैं बैटिंग टिप अगले पार्ट में दूंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी मैं गूगली कराऊंगा फिर एंड करेंगे यार वीडियो को। करना क्या, इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तो इसलिए आप लोगों को यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखनी होती है तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इसलिए तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ गूगली बॉल। अगर कोई भी नहीं, अगर मुझसे कोई बॉल रह गई है तो कमेंट्स में टाइप कर दें तो मैं बैटिंग पार्ट में भी वो बॉल बता दूंगा आप लोगों को। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और अभी मैं जल्दी से कैमरा सेट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ आपको नकल बॉल दिखाने, तो अभी मैं चलता हूँ। मैं कह रहा था मुझे नकल बॉल अच्छे से नहीं आती, देखो कितनी लंबी वाइट चली, इसमें तो नो बॉल लेनी चाहिए। बॉल के बाद ये गूगली जो ये जो बॉल होती है ना, ये आप खाली ये जो बॉल है ना आप इसको स्पिन के साथ और स्विंग के साथ नहीं करा सकते। बाकी ये बॉल को आप फास्ट बॉल बहुत सारी बॉलों के साथ करा सकते हो, तो आप लोगों की मर्जी है। मैं तो फास्ट बॉल के साथ करा रहा हूँ, मुझसे इतनी अच्छी नहीं पता फास्ट बॉल कैसे होती है। तो अभी मैं आपको जल्दी से कराता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते आपको और भी तो वीडियो देखती है। यह दिस इज आई वांट टू नो, ओए बॉल किधर जा रही है। अच्छा, तो बॉल का एंड करने जा रही थी मेरा ब्लॉग टू। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, बाय बाय कर दूँ, मन नहीं कर रहा। बाय बाय, अल्लाफिज़। बॉल ने बाय बाय कर, बॉल सही से बाय बाय करना, अल्लाफिज़, बाय बाय।